हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह में ही ये कहाँ जा रही हैं। तो हम लोग अपनी छोटी सिस्टर के घर जा रहे हैं, और ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी वाली, आप लोग को हाय बोल रही है। तो हम लोग अब अपनी छोटी सिस्टर के घर जा रहे हैं, उसका उसके मतलब उससे मिलने के लिए। और बड़ी दीदी भी आ गई थी, बोल रही थी कि चलो मैं भी साथ में उससे मिलने चली चलूँ। तो मैंने सोचा कि चलो दीदी के साथ मैं भी चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, बिल्कुल मेरा मूड भी नहीं था। पर जब दीदी आई तो मैंने कहा कि चलो दी, मैं भी तुम्हारे साथ चल लेती हूँ। और इनका भी आज छुट्टी था तो घर पर थे, और बच्चों का भी आज छुट्टी था तो बच्चे भी साथ हो लिए थे। वैसे मैं बच्चों को ले नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मेरा मूड नहीं था इन लोग को ले जाने का। मैं सोच रही थी बच्चे घर पर ही रहें, मैं दीदी और जीजा निकल जाएँ। पर बच्चे जिद करने लगे कि मैं भी मौसी से मिलूंगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग भी चलो। तो अभी देखिए, हम लोग उसी कॉलोनी में आ गए हैं, बस उसके घर आने वाले ही, उसका घर आने वाला ही है। तो उसके घर पे मतलब घर बस गेट तक ही मैंने रिकॉर्ड किया, घर के अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ के लोग कंफर्टेबल नहीं थे। तो मुझे भी लगा कि कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ परमिशन हो, वहीं पे हमें रिकॉर्डिंग करना चाहिए। और जहाँ पे जिसकी इच्छा ना हो तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तभी देखिए हम पहुंच गए हैं, और जीजा ऑटो वाले भैया को पैसे दे देंगे, और छवि रिकॉर्ड कर रही है। तो अभी मैं भी उतर जाती हूँ, फिर उसके बाद दीदी के साथ हम घर जाएंगे क्षमा के। तो अभी दीदी भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो आप बाजू में देख सकते हो, तो वो इसीलिए थोड़ा उधर साइड में ही खड़ी है। तो अभी देखिए हम घर के अंदर जाएंगे, इसके बाद से सीधे मैं मिलूंगी आप अपने घर पर। तो 2-2.5 बजे तक हम लोग यहाँ थे, उसके बाद से अपने घर चले आए थे, और दीदी वहीं पर रुक गई थी। तो अभी देखिए मैं सिलाई कर रही हूँ लड्डू गोपाल का ड्रेस, क्योंकि मेरी पड़ोसन जो है वो उन्होंने मतलब मुझे कपड़े दे दिए हैं लड्डू गोपाल के, 3-4 जोड़ी दिए हैं, बोले कि मेरे दोनों कान्हा के कपड़े आप सिल दो। तो जैसे घर में पहनाने के लिए कॉटन का अच्छा रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहते हैं कान्हा जी, और अच्छा भी होता है। तो ये देखिए बड़े लड्डू गोपाल का ड्रेस मैंने सिल दिया था, और छोटे वाले का सिलना था। तो छवि आपको दिखा रही है पूरा रिकॉर्ड करके कि मम्मी ने कैसा बनाया ड्रेस। मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए कपड़े का कान्हा जी के, तो मैं अच्छे से सेपरेट वीडियो बना के का ड्रेस को मतलब बनाते हुए एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तभी देखिए मैं लड्डू मतलब छोटे वाले लड्डू गोपाल का जो कपड़ा था वो सिल रही थी। वैसे मुझे कितना 5-6 ड्रेस सिलना है, पर अभी मैं सोच रही थी कि जितना भी मुझसे सिला जाए उतना भी मैं सिल लूँगी, क्योंकि अब जो है त्यौहार का समय जो है वो आने वाला है। त्यौहार जैसे मैं बता रही हूँ कि मतलब तीज वगैरह आने वाला है, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी इनका ड्रेस सिल लूँ, उसके बाद से फिर मुझे भी सिलाई करना है, अपना ब्लाउज और साड़ी में फाल वगैरह सब लगाना है। तो अभी कुछ भी नहीं की हूँ, बस इधर उधर की भागा दौड़ी में, थोड़ा इधर भी भागा दौड़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मेरे सारे काम पेंडिंग रह गए थे। अब वीडियो भी समय समय पर मैं नहीं डाल पा रही थी, आप लोग को दे पा रही थी, यही वजह थी कि बस भागा दौड़ी की वजह से ही मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, ना शूट ही कर पा रही थी ना अपलोड कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोग को दे देती हूँ, ताकि आप लोग भी इंटरटेन होते रहिए। तभी देखिए छोटे लड्डू गोपाल का मैं जो घेरा होता है ना नीचे का पोशाक का, वही घेरा बना रही हूँ। और कॉटन का ड्रेस ये जो है ना ये चलता भी है, इसीलिए जो हमारी पड़ोसन है वो मुझे दे देती हैं, तो मैं उनके लड्डू गोपाल के लिए सिल देती हूँ। और ऐसे जो मार्केट में मिलता है बस आप लेके आओ पहनाओ, और फिर वो फटने लगता है, मतलब इतनी मजबूती से सिलाई नहीं हुई रहती है। और मैं सिलती हूँ तो बहुत अच्छे से उनके कमर के पास कम से कम 3-4 राउंड सिलाई चला ही देती हूँ। तो आप देखिए छोटे वाले लड्डू गोपाल का जो घेरा है वो बन गया है, बस ऊपर की चोली मुझे बनानी है। तो उनकी चोली बन जाती है, उसके बाद मैं कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि शाम हो गया था। ये ड्रेस बनाते बनाते मुझे 3:30 बज गया था, बाकी भी सारे काम पड़े हुए थे। तो फिर बर्तन मैंने वॉश कर लिया, सिंक पूरा फुल था तो बर्तन वॉश कर लिया। फिर ये फॉल है, मैंने सोचा कि अभी टाइम काफ़ी है, मैं फॉल भी धुल के डाल देती हूँ, अगर सूख जाएगा तो फिर मैं फॉल लगा दूँगी। और जल्दी से मैंने सोचा कि आज डिनर भी बना लूँगी, तो थोड़ा मुझे समय मिलेगा वीडियो एडिट करने के लिए, और फिर मतलब फॉल वगैरह लगाने के लिए। मैं वैसे कभी कभी अगर तबीयत नहीं सही होता है तो ही मैं मतलब बाहर ब्लाउज सिलने के लिए भेजती हूँ, वरना मैं खुद से स्टिच कर लेती हूँ, जैसा भी आता है, थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड नहीं हूँ सिलाई में, पर अपना सिल लेती हूँ काम चलाऊ। पर जो महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं जो हैवी वर्क की, वो मैं नहीं स्टिच करती हूँ। तभी देखिए फॉल मैंने धुल के डाल दिया है, तब तक 1-2 घंटे में सूख ही जाएगा। आपने देखा कि मैंने साड़ी का फॉल जो है धुल के डाल दिया है, अगर सूख जाएगा तो आज ही लगा दूंगी रात में, मतलब अभी तो बज रहे हैं 7 बज चुके हैं,
तो 8 बजे तक सूख जाएगा तो मैं 8 से 9 बजे तक लगा लूँगी, और अगर नहीं सूखेगा तो कल लगा दूँगी, क्योंकि 30 तारीख को है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अब मतलब उस साड़ी को कंप्लीट कर लूँ। साड़ी ब्लाउज सिलना है, अभी फॉल भी लगाना है, सब कुछ करना है, तो अभी मैंने फॉल धुल दिया है। चलते हैं किचन में डिनर की तैयारी करने, चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। ऐसे मुझे डिनर बनाते बनाते ही लेट हो गया था तो मैंने फॉल नहीं लगाया। तो अभी देखिए मैं सब्जी सारा लेके आ गई हूँ रूम में, क्योंकि किचन में मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि रूम में चलो आज रूम में लेके चलती हूँ, कट कर लेती हूँ सारी सब्जियों को। तो आज बनेगा डिनर में आलू चना की सब्जी, तो इसके लिए मैंने आलू प्याज लहसुन छील के रख लिया है, और अभी मैं हरी मिर्च और लहसुन का मतलब दरदरा ही पेस्ट बना लूँगी, पेस्ट नहीं बस दरदरा ही कर लूँगी, कूट लूँगी इसे। तभी देखिए जो है ये पेस्ट जो है बन गया है। फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दिया है गैस पे कुकर, और चने की सब्जी वैसे मैं कुकर में ही बनाती हूँ और बाकी सब्जियाँ तो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। तो अभी देखिए कुकर में तेल जो है वो हो गया गर्म, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा मतलब ब्राउन कलर हो जाएगा तब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, सॉरी सौते होने तक भूनना है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तभी देखिए सौते हो चुका है हमारा प्याज, अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च और लहसुन का कूटा हुआ दरदरा पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अब मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से मतलब मुझे गोल्डन ब्राउन होने देना है। फिर देखिए अभी प्याज और मिर्च जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें मैं डाल दूँगी सारी सब्जियाँ, इसे आलू और चना डाल दूँगी सारा मैं इसमें अच्छी डाल दूँगी। उसके बाद से अच्छी तरीके से जो मसाले हैं मतलब प्याज और हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से कोट कर दूँगी आलू और चने के ऊपर। फिर इसमें चुटकी भर हींग डालूंगी, हींग ज़रूर डालिए, इससे जो पेट में मतलब गैस वगैरह बनना होगा चने से तो नहीं बनेगा। तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ चने की सब्ज़ी में, क्योंकि ये थोड़ा डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरे अच्छे से। फिर मतलब वही 2-3 मिनट इसे अच्छे से चला के भूनने के बाद कवर लगा दूंगी, और बस 5 मिनट और मैं उसे भून लूंगी। भूनने से टेस्ट अच्छा आता है, मसाले जो है पक जाते हैं। तभी देखिए कितना अच्छे से ऑयल जो है वो छोड़ दिया है सब्जियों ने। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, पानी आप अपने फैमिली के हिसाब से डाल सकते हो, जैसे जितने मेंबर हो उस हिसाब से। उसके बाद मैंने मार्केट वाला गर्म मसाला लिया है एवरेस्ट का 1 चम्मच, मैंने वो ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद मैं लीड लगा दूँगी, लीड लगाने के बाद से 3-4 सीटी आने तक छोड़ दूँगी, बस सब चने की सब्जी जो है वो रेडी है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। फिर मैंने बना लिया था चाय, क्योंकि रुपेश के सर आ गए थे तो उनके लिए ही मैंने चाय बनाया था, तो फिर उन्हें चाय दे देती हूँ। और आज बनाने वाली थी रोटी, पर छवि बोल रही थी मम्मी चने की सब्जी के साथ आप पूड़ी बना दीजिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गया है पूड़ी भी नहीं बनाई हूँ, आज पूड़ी बना लेती हूँ बच्चों की फरमाइश पर। फिर मैंने सारी पूड़ियों को बेल कर एक साइड में रख दिया, और तेल गर्म हो गया उसे मतलब तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब सारी पूड़ियों को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन मिले। और हाँ कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। तभी देखिए पूड़ियों को मैं फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करते ही छवि पीछे से आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी मुझे 2 पूड़ी दीजिए मैं खा लूँ, तो मैंने बोला ठीक है पहले अभी निकाल लें तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करते समय बच्चे इतना फुल वैल्यूम में टीवी देख रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से बैकग्राउंड में काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। तो और अभी देखिए मैं रोटी भी सेक लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो पूड़ी नहीं खाएंगे, उन्हें पूड़ी पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं रोटी बना लूँगी। तो अभी देखिए रोटी जो है उनके लिए ज़्यादा नहीं, बस 3 रोटी मैं बनाती हूँ, वैसे जैसा भूख रहता है उस हिसाब से वो 2 रोटी या 3 रोटी खा लेते हैं, तो मैंने 3 रोटी उनके लिए सेक के रख दिया है। और अभी सब्जी देखिए, सब्जी जो है वो कितनी टेस्टी मतलब बन के आई है, आप देखिए। अब इसे आप पूड़ी के साथ खाइए या रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी चीज़ के भी साथ खाएंगे ना आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आलू थोड़ा सा मैं तोड़ ले रही हूँ कि रस जो है वो ग्रेवी इसकी वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स सब्जी कितनी यम्मी यम्मी दिख रही है ना, और बहुत टेस्टी बनी थी ये चने की सब्जी। जब भी बनती है तो छवि बोलती है कि मम्मी पूड़ी ही आप बना दीजिए। फिर रुपेश आ जाता है मैगी बनाने के लिए, क्योंकि वो मैगी लेकर आया था अपने लिए,
तो बोल रहा था मम्मी मैं मैगी बना ले रहा हूँ। मैं बोल रही थी सुबह बना दूँगी, बट वो बोल रहा था कि मैं अभी खाऊँगा, तो वही बना रहा था मैगी। तो वही मैं उससे पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोला था मम्मा मैं मैगी बना रहा हूँ, और बहुत टेस्टी मैगी बनाता है रुपेश मेरा। और जब मुझे टेस्ट कराया तो मैंने कहा मेरे से अच्छा तो तुम ही मैगी बना लेते हो। अच्छा भी अभी देखिए डिनर कर रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।